हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों आज हम बनाएंगे माउथ वाटरिंग पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले किसी कढ़ाई या पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 बड़ा चम्मच के लगभग, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ 200 से 250 ग्राम पनीर का भुर्जी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। तेल मैंने यहाँ पर सरसों का लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा कट करके डाला है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पकाना है। भुर्जी में जो प्याज है वो हल्का सा जो कच्चा है या क्रंच जो रहता है प्याज का, वो होना चाहिए, तभी भुर्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी के साथ साथ मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 हरी मिर्च को काट करके, और इसे भी हल्का सा बिल्कुल पका लेते हैं। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम और ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच यानी 1 टीस्पून, और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। गैस की आंच को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ना पकाएं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने से दोस्तों बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इसमें। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर लाने के लिए, और 1/4 छोटा चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और लगभग 1 चम्मच के जितना डाला है धनिया पाउडर। आंच को धीमा रखेंगे, मिक्स कर लेंगे जल्दी से। सूखे मसाले ना जल पाएँ उससे पहले हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट करके डाल लेंगे, और साथ ही साथ 2 चम्मच पानी भी डाल दिया है। पानी ज़रूर डालें, नहीं तो जो सूखे मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बदल जाता है, जले हुए वो महकने लगते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। भुर्जी में टमाटर और प्याज की मात्रा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो जो भुर्जी है उसका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का आता है। अब हमें यहाँ पर टमाटर को काफ़ी अच्छे से मैश करना है। यहाँ पर मेरे पास ये 200 से 250 ग्राम के लगभग पनीर है, तो इसे तब तक मैं कद्दूकस कर लेती हूँ यानी ग्रेट कर लेती हूँ। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैंने टमाटर को यहाँ पका लिया है। टमाटर अच्छे से पक गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच के जितना गरम मसाला। किसी भी ब्रांड का गरम मसाला आप ले सकते हैं। ये देखिए कद्दूकस किया हुआ जो पनीर है हमारे पास, इसे अब हम डाल लेंगे और धीमी आंच पर मसालों के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला बनकर तैयार हो रहा है ना दोस्तों, आप चाहे तो इसे सैंडविच के अंदर भी भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनकर के तैयार होते हैं। आप चाहे तो इस मसाले में बिना पानी डाले इसके पराठे भी बना सकते हैं। इस तरह से पनीर के पराठे बनाएंगे इस स्टफिंग को भर के, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत तरह की डिशेस आप इससे बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं भुर्जी, तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है पानी, 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा अब हम पकाएंगे जिससे जो हमारा पनीर है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी जो हमारी भुर्जी है वो बन करके तैयार हो। हमारी पनीर भुर्जी में बिल्कुल भी रूखापन ना हो, ड्राइनेस ना हो, जिससे कि जब आप इसे रोटी या पराठे के साथ में खाएं तो आपके गले में ये बिल्कुल भी अटके नहीं। तो बस इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं जो पनीर है बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से कैसे बहुत ही अच्छे से फूल गया है हल्का सा। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे खुले में ही। आप चाहे तो यहाँ पर लास्ट में 1 चम्मच बटर डाल करके भुर्जी को मिक्स कर सकते हैं। देखिए सारा जो ऑयल है वो साइड से छूट गया है। गैस को भी मैंने बंद कर दिया है। अगर आपके पास में हरा धनिया अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ज़रूर डालें। 200 ग्राम पनीर से कितनी बढ़िया और कितनी बेहतरीन भुर्जी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। झटपट बन जाती है, बहुत ही हेल्दी है। चलिए इसे एक प्लेट में हम निकाल भी लेते हैं। तो ज़रूर एक बार इस तरह से पनीर की भुर्जी बना करके ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं महसूस होगी। पराठे के साथ में या रोटी नान चपाती के साथ इसे सर्व कीजिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। देखने में ही कितनी लजीज लग रही है ना हमारी जो पनीर की भुर्जी है।
आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा इसे कच्चा पनीर के साथ में इस तरह से सजा सकते हैं, ये देखने में और भी बढ़िया लगने लगेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ में, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की बहुत ही आसान रेसिपीज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।